गुड मॉर्निंग एवरी वन राधे राधे कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का मेरे कौन नए ब्लॉग में और आज दिन है तीन अगस्त बृहस्पतिवार एंड ये ब्लॉग है एक अगस्त का तो सुबह का टाइम हो रहा था बारिश बहुत तेज़ हो रही थी सुबह से ही एंड जब मैं पाँच बजे सो के उठी थी तो लगभग इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि अभी तक के मैं रिकॉर्ड में बता रही हूँ कि इतनी तेज़ बारिश मैं नहीं देखी हूँ तो फिलहाल मैंने सिर्फ अपने लिए यहाँ पर चाय बना है एक कप एंड हाँ दूध उबल गया था तो उसको निकाल के अभी मैं रख दी हूं और एक ही कप चाय बनाई है क्योंकि हस्बैंड और ध्रुव दोनों सो रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी और रात को इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी ना तो हम लोग सो पाए और ना मैं अपना वीडियो का एडिटिंग का काम कर पाई तो बस यहाँ पे मैं पी रही थी गिलोय और आजकल मैं ग्लोए ले रही हूँ क्योंकि सावन के मौसम में ना ये फीवर वग़ैरह बहुत ज़्यादा चलता है तो मैं पहले से ही प्रोटेक्ट रहती हूँ अपने बॉडी को ले क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको भी संभालना मुश्किल हो जाता है और हेल्प करने के लिए कोई होता नहीं है तो अपना ध्यान रखना मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड आ गई थी किचन में और मैं वीडियो एडिट कर ली थी लगभग आधे घंटे में फिर मैंने थंबनेल बनाने के लिए जा रही थी बट वो काम मैं अभी बाद में करूंगी और सुबह को यही रहता है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है क्योंकि हस्बैंड को निकलना होता है किसी काम से कोई ना कोई काम उनका ऐसा आ ही जाता है जो मुझे फटाफट से नाश्ता बनाने की तैयारी करनी होती है एंड हाँ ध्रुव को भी नाश्ते की ज़रूरत हो गई है अभी और सुबह को उसे भूख लगने लगी है और बड़ा हो रहा है तो इसी उसको खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर ने भी कहा है कि इसे नाश्ता ज़रूर कराया करो आप सुबह को सिर्फ दूध दे देते हो उसे तो अब से मैं उसके लिए नाश्ता जरूर बनाया करूँगी तो वैसे तो मैं हर टाइम उसे नाश्ता बनाती हूँ खाना भी बनाती हूँ चाहे थोड़ा बनाऊँ लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ वो ना खाए वो अलग बात है तो हस्बैंड ने कहा कि कुछ ऐसा नाश्ता बना लो जो बाबू भी खा ले और हम भी थोड़ा थोड़ा खा लें क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए एंड यहाँ मैं थोड़ा सा लहसुन चॉप कर ली थी और बाबू सो रहा था हस्बैंड उठ गए थे बस वो भी ठीक से नहीं सो पाए थे रात को मैं भी नहीं सो पाई थी और ऐसे में ही मैंने देखिए सुबह उठ के जल्दी काम निपटा लिए थे और फिर मैंने वीडियो एडिट की और फिर मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ एंड हाँ खाना और नाश्ता साथ ही बनाऊंगी तो बस फटाफट से काम तैयार यहाँ पे तैयारी करूँगी क्योंकि मुझे आज खाना जल्दी ही बनाना है तभी मैं शाम को आप सबसे मिलने आ पाऊंगी नहीं तो वीडियो रह जाएगी क्योंकि अभी काम कुछ रह गया था एडिटिंग का मैं पूरा नहीं कर पाई थी थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को बारीकी से कट करना एडिट करना तो थोड़ा बहुत तो टाइम देती हूँ मैं एडिटिंग को एंड यहाँ पे मैंने लंबा लंबा प्याज आ, कट करके डाला है और लंबा ही सिर्फ दो मिर्च डाला है ताकि वो अलग निकल जाए खाते टाइम पर मुँह में ना आए और अलग से निकाल के हम लोग उसे रख दें और यहाँ छोटे छोटे दो आलू चॉप कर लिए थे तो आप चाहो तो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो एंड हाँ कल मुझे कुछ सिस्टर्स कह रही थी कि सावन के महीने में जवा नहीं बनता है मीठा जवा पता नहीं कल के ब्लॉग में था या परसों वाले ब्लॉग में था मैंने ध्यान नहीं दिया बस कमेंट पे मुझे ध्यान था तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके यहाँ पे मतलब नागों को दूध पड़ता है ना जो लोग नागों को पूछते हैं दूध मतलब सिवई बनाते हैं तो उनके यहाँ पे नहीं बनता है कनागत आ, मतलब नागों पे दूध पड़ता है ऐसा कुछ बोलते हैं नाग पंचमी उसको बोला जाता है शायद यही बोला जाता है मुझे तो इतना पता नहीं क्योंकि मेरे ससुराल में नहीं होता है वो और ना ही नागों को दूध पिलाया जाता है तो जिनके यहाँ पे नाग पुछते हैं ना उनके लिए उनके घर पे नहीं बनता है जवा बाकी हम लोग तो शुरू से ही बनाते हैं और मेरी सासू माता भी बना लेती हैं तो मैंने यहाँ बना लिया था एंड ध्रुव को मोस्ट पसंद है ये आ, खासकर नमकीन जवा बहुत पसंद है बट आजकल उसे मीठा जवा बहुत पसंद आने लगा है तो इसीलिए मैंने लास्ट जो मेरा ब्लॉग आया था ना पूजन का सोमवार वाला ब्लॉग उसमें मैंने जवा बनाया था और उसे मेडिसिन खिलानी होती है तो इसीलिए मैं नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती और ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन भी था एंड ये जो जवा थे इसको मैंने अच्छे से भून लिया था घी में और मैंने आगे से हस्बैंड को कहा है कि गेहूं वाले जवा लेके आया करो ये मैं

से आलू प्याज जो भी है ना सब कुछ निकाल दूंगी क्योंकि अगर एक भी वाइट उसके मुंह में आ गया प्याज का या आलू का तो वो पूरा नाश्ता छोड़ देगा चाहे कितना भी मेहनत करके मैं नाश्ता बनाऊं फिर भी वो नहीं खाएगा भूखा रह जाएगा तो बस फटाफट मैंने बना लिया था लगभग ये 10 से 15 मिनट में बन गया था नाश्ता बहुत ही इंस्टेंट बन जाते हैं और ये थोड़े से पीनट के दाने थे जो मैंने भून के रखे थे पहले ही पोहे के लिए तो उनको मैं ऊपर से डाल दूंगी सुबह सुबह अच्छे रहते हैं खा लेंगे तो एंड चाय थी थोड़ी थोड़ी तो मैंने थोड़ी सी चाय और ले ली थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी तो माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था भारी भारी सा मन हो रहा था और चाय लेने का और मन कर रहा था तो बस थोड़ी सी चाय मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी एंड ये था आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और नाश्ता करने के तुरंत बाद ही जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने क्लीन कर दिया था ध्रुप को आज नहीं नहलाऊंगी क्योंकि पूरा दिन बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ना मौसम भी ठंडा हो गया था और फिर उसकी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं उसे रोज नहलाऊं बहुत ज्यादा हालत खराब थी इस बार ध्रुप की इसीलिए मैंने उसको एक दो दिन नहीं भी नहलाया था मतलब स्किप कर दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी उसकी तबीयत को लेके और मम्मी पापा इसीलिए उससे देखने को आए थे एंड मम्मी से बात तो हो जाती थी चार दिन में पाँच दिन में कि बाबू की, की तबीयत अभी कैसी है कैसी है लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मान रहा था कि बाबू को देख के ही आना है तो बस वो थोड़ी देर के लिए आ गए थे और कल एक सिस्टर ने बताया था कि आपने रीज़न तो बताया ही नहीं कि आपके मम्मी पापा क्यों नहीं आते आपकी ससुराल तो मैंने उनको बता दिया था वैसे तो कमेंट बॉक्स में ही कि कुछ फैमिली की चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उनका मन नहीं आ करता था आने का मेरे घर पे और अभी मैं अलग रहती हूँ तो भी मतलब कम आते हैं आ गए थे पहली बार ही आए थे वैसे तो और जब मैं मतलब पूरी जॉइंट फैमिली में रहती थी तब मम्मी पापा कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए थे और क्या रीज़न था वो मैं नहीं जानती फैमिली की कुछ चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ सोशल मीडिया पे एंड यहाँ मैंने चॉप कर ली थी दो शिमला मिर्च तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब्ज़ी बना रही हूँ और दो ही आलू कट किए थे एंड एक आलू मैं डालूँगी बड़ी की सब्ज़ी में तो यहाँ दो तरीके की सब्जी बना रही हूँ मैं क्योंकि जो शिमला मिर्च है ना ये हस्बैंड को बहुत पसंद है बट मुझे कम पसंद है तो बस थोड़ी सी सब्ज़ी अभी के लिए बनाऊँगी और थोड़ी बनाऊँगी शाम के लिए क्योंकि शाम को फिर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा जो भी दो दो चपातियाँ हम लोग खाएंगे तो बस अभी बना के रख दूंगी एंड यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ अच्छे से फ्राई कर लिया था उसके बाद ही मैंने इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा फ्राई करूँगी आलू और शिमला मिर्च को उसके बाद ही इसमें मसाले ऐड कर दूँगी और यहाँ पे लगभग 80% परसेंट सब्जियाँ कुक हो गई थी तो बस इनको ढक के सूखी ही पकाऊंगी और 10 मिनट में ही ये सब्ज़ी पक जाएगी तो पकने के बाद ज़रा सी हो गई थी ये एंड ऊपर से मैंने हैवी वेट रख दिया था तो और जल्दी पक गई थी और यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी तो मैंने चटनी में डाला है हरा मिर्च टमाटर प्याज लहसुन और थोड़े से मसाले डाल दिए थे खड़े और ये बारिश के मौसम में ये चटनी बहुत बढ़िया लगती है एंड यहाँ पे मैंने छील के डाल दिए थे तोरी के छिलके लौकी के छिलके हैं सॉरी और इसको बस अच्छे से भूनूंगी और ये जो चटनी है ना आप लोग ज़रूर बना के खाना खास कर ये चटनी पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगती है और पानी के हाथ वाली जो रोटी होती है ना उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है और बस यहाँ बीच में एक बार मैंने सब्जी को चला दिया था क्योंकि आँच गलती से तेज़ हो गई थी तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि सब्ज़ी मेरी लग रही है फिर मैंने पाँच को धीमा कर दिया था और बस पाँच मिनट में ही सब्जी पक गई थी और यहाँ जो मैंने छिलके थे इनको ठंडा करके पीस लिया था उसके बाद मैंने ऑयल में हींग जीरा डाल के कुछ मसाले डाल के इस जो चटनी का बैटर था पीस लिया था और इसको डाल दिया था और साथ में मेरे पास कुछ रखी हुई थी सोया बड़ी और ये लोबिया की फली थी बहुत टाइम की कटी हुई रखी थी फ्रीजर में तो बस कुछ चटनी बचा लूंगी और उसी में मिक्स करके शाम के लिए सब्जी बना के रख दूंगी थोड़ी सी और ये ये जो चटनी है ना ये बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में तो बस इसमें मैंने बाद में काला नमक और सफ़ेद नमक और डाल दिया था ऊपर से और थोड़े थोड़े जो मसाले होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और डाला था अमचूर पाउडर और ये मसाला इसमें ना बहुत ही अच्छा लगता है और बस इसे थोड़ी देर ही मैंने भूना था ढक के भून लिया था एक दो मिनट और देखिए कुछ इस तरह का इसका कलर हो गया था और इस चटनी को आप कितने दिन भी रख के खाएंगे ना एंड जो इसमें छिलके का स्वाद था वो अमेजिंग था बहुत बहुत मज़ेदार लग रही थी खाने में और बस थोड़ी सी मैं बचा के रख लूंगी क्योंकि पराठे के साथ और रोटी के साथ ना बहुत अच्छी लगती है दाल सब्जी के साथ जब हम चटनी खाते हैं तो और उसी उसमें जो ग्रेवी थी बची हुई बाद में जो चटनी बच गई थी उसी में मैंने ये सब्जियां ऐड कर दी थी सोया बड़ी है एक आलू है और एक मुट्ठी फली रखी हुई थी तो बस ऐसे ही जुगाड़ पानी करके थोड़ी थोड़ी सब्जियां ना मैं बचा के रख देती हूँ ताकि एक टाइम का जो खाना है वो बन जाए और ये सब्जी बन जाएगी लगभग पाँच से दस मिनट में एंड आ गई थी ध्रुव के पास तो यहाँ पे मीशो से आया था इसके लिए ये पार्सल जो मैं मंगवाई थी लगभग दो तीन दिन पहले ही और ये जो टॉय है ना उतना अच्छा नहीं है इसमें बहुत सारे कम कलर हैं मतलब दो तीन ही कलर थे और ज़्यादा कलर नहीं थे मैंने सोचा कि ज़्यादा कलर होंगे लेकिन फिर भी ठीक है अच्छा लग रहा था इसे ये इसके साथ खेलने में और टाइम अभी लगभग हो रहा था बारह बज रहे थे तो खाना तो मेरा बन गया था सुबह ही एंड रोटियाँ मैं अभी बना रही हूँ तो सब्जियाँ सारी मैंने बना के रख दी थी जब मैं नाश्ता बनाई थी तभी मैंने बना के रख दी थी तो बस अभी लगभग टाइम तीन बज रहे थे दोपहर के तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो दो दो चपाती बना लेते हैं और जो भी खाना होगा वो हम लोग खा लेते हैं तो चपाती क्या बनानी है अब बारिश का मौसम हो रहा है तो कुछ अच्छा सा मैं बना ले रही हूँ ज़्यादा नहीं बस दो दो पराठे बनाऊँगी और देसी घी के बहुत ही सादा सिंपल से और यहाँ पे हस्बैंड अभी खाने के लिए तैयार हो रहे थे मतलब हाथ वाथ धोने के लिए जा रहे थे तो कह रहे थे सिर्फ दो ही रोटी सेकना मेरे लिए मैंने कहा ठीक है दो ही मैं अपने लिए बनाऊँगी और दो ही इनके लिए बनाऊँगी तो ऐसे ही मतलब बिजी रूटीन रह रहता है सारा दिन मेरा और यही एक होता है कि हाउस वाइफ का सुबह से शाम कब हो जाता है ना पता ही नहीं चलता इन्हीं कामों में छोटे छोटे कामों में वो तो भला है यूट्यूब का कि ये यूट्यूब हमें मिल गया जो हम इन्हीं कामों को अपने जोड़ तोड़ के और पब्लिक तक पहुँचाते हैं और इससे कहीं ना कहीं हमें एक इंडिपेंडेंट होने की जो फीलिंग है ना वो बरकरार रहती है एंड पराठा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है तो रोटी जब आपकी नाइन्टी परसेंट पक जा सीख जाती है ना दोनों तरफ से उसके बाद जब आप इस पे पराठे पे तेल घी लगाएंगे तो आपका पराठा बहुत जल्दी फूल के तैयार हो जाता है और जो पराठा जो रोटी को आप तेज़ आँच में सेकोगे ना वो पराठा नहीं फूलेगा एंड देखिए ये वाला नहीं फूला है और जो मैं धीमी आँच में अच्छे से रोटी को सेक ली थी वो पराठा फूल गया था और ये वो सब्ज़ी थी जो मैंने बाद में चटनी में बनाई थी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और जो छिलके का स्वाद आ रहा था ना वो एक अलग डिफरेंट तरीके का स्वाद आ रहा था तो मैंने पहली बार ये चटनी बनाई है आप भी ज़रूर ट्राई करना बहुत ही टेस्टी लगी थी तो चलिए अभी खाने का टाइम हो गया था और लगा लेती हूँ यहाँ पे थाली फ्रीज में लास्ट तीन मैंगो रखे हुए थे जिसमें मैंने दो निकाल के पानी में डाल दिए थे सुबह ही और बिल्कुल भी फ्रिज के आम नहीं खाने चाहिए इस टाइम पे तो आज की मजेदार सी और ये सीजन के लास्ट मैंगो हैं वही वाले मैंगो चल रहे हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको ब्लॉग में दिखाए थे कि अब नहीं मंगवाऊंगी बस यही हैं और अब आ भी नहीं रहे हैं मार्केट में तो चटनी बहुत ही स्पेशल है दोनों सब्जियों से कहीं ज्यादा टेस्टी लगी थी चटनी आज की लौकी के छिलके हों केले के छिलके हों इस तरह के छिलकों को हल्का सा फ्राई करके आप चटनी में पीसेंगे ना एकदम जबरदस्त वाला टेस्ट आता है और चलिए दोस्तों अभी आ गई हूँ वीडियो के एंड पे मिलूंगी आप सभी से कल के एक और ब्लॉग में आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न्यू है तो सब्सक्राइब करना अपना ध्यान रखना अपनों का ध्यान रखना बाय बाय टेक केयर एंड हर हर महादेव